हे दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में जो इसरो है वो प्लान कर रहा है न्यूक्लियर इंजन की। जी हाँ दोस्तों, अब इसरो न्यूक्लियर इंजन की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि स्पेस की जो यात्रा होगी अब हम इस न्यूक्लियर इंजन के द्वारा तय कर पाएंगे। आपको बताते हैं, आइए न्यूक्लियर इंजन की जो खासियत है और इसरो किस प्रकार से इसको बना रहा है। आपको बता दें कि जो इसरो है वो बार के साथ मिलकर ये जो न्यूक्लियर पावर इंजन है इसको बना रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जो न्यूक्लियर पावर इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। आपको बता दें कि एक होता है न्यूक्लियर पावर व्हीकल्स और एक होता है केमिकल पावर रॉकेट्स और एक होता है सोलर पावर जो रॉकेट्स होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो बेहतर रॉकेट्स हैं वो दोस्तों हैं न्यूक्लियर पावर वाले, यानी जिनमें न्यूक्लियर पावर जो इंजन्स लगे होंगे वो बहुत ज्यादा दूरी की यात्रा तय कर पाएंगे। अगर बात करें हमारे जो सोलर पावर वाले होंगे वो दोस्तों ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं तय कर पाएंगे। क्यों नहीं तय कर पाएंगे ज्यादा दूर की यात्रा, वो वजह ये है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं पर जो सूरज की रोशनी होती है वो नहीं आती है, वहां पर ये जो रॉकेट्स होंगे ये बेकार साबित होंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर इंजन जो वाले जो रॉकेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे और इसके जरिए हम बहुत दूर दूर की यात्रा भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियर पावर जो इंजन है ये आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार से जो हमारा जो इसरो है और जो बार्क है ये दोनों मिलकर एक होकर यूनिटी में है दोस्तों। ये दोनों एक होकर इस इंजन को बना रहे हैं और ये जो इंजन जब तैयार हो जाएगा तो हम स्पेस की यात्रा बहुत ज्यादा आसानी से कर पाएंगे और बहुत दूर दूर की यात्रा कर पाएंगे। आपको ये बता देते हैं कि जो ये जो न्यूक्लियर पावर जो इंजन होते हैं इनको रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी कहा जाता है। दोस्तों रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहलाते हैं ये। और हाल ही में दोस्तों जो हमारा इसरो है उसने चंद्रयान 3 भेजा है। आपको याद होगा चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया था उसके बाद जो इसरो है उसने प्रिपेयर किया था पीएसएलवी मिशन के लिए। पीएसएलवी मिशन जो होता है दोस्तों वो सक्सेसफुल साबित होता है, यानी जो इसरो का जो पीएसएलवी मिशन है वो सक्सेस साबित होता है, जिसके बाद जो इसरो है उसने ये प्लान किया है कि वो जो न्यूक्लियर पावर इंजन होते हैं वो बनाएगा। आपको बता दें कि जो नासा है वो नए प्रकार का जो न्यूक्लियर पावर इंजन है उसकी तरफ बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो फ्यूचर में जो मार्स की जो मिशंस होंगे उसको आसानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों आज के समय जब भी हम मार्स के लिए यात्रा करते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जो टाइम है वो लग जाता है। लेकिन जब न्यूक्लियर पावर इंजन होंगे तो इससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम बचेगा। इसीलिए जो नासा है वो न्यूक्लियर पावर इंजन बनाने की तरफ बढ़ रहा है और हमारा जो इसरो है भारतीय कंपनी इसरो, आपको पता होगा डिफेंस की जो बनाती रहती है, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है, वो बढ़ रही है हमारा जो न्यूक्लियर पावर इंजन है। हमारा जो इसरो है दोस्तों वो प्रिपेयर कर रहा है न्यूक्लियर पावर इंजन बनाने की तरफ। ये इंजन बहुत ज्यादा बेहतरीन होंगे दोस्तों, इससे हम बहुत ज्यादा दूर दूर की यात्रा तय कर पाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हाल ही में जो न्यूक्लियर पावर इंजन है हमारा जो इसरो है वो बनाने में कामयाब होगा? आप अपने जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।